नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नई दिल्ली लोकसभा सीट से जीतकर पहली बार संसद पहुंची बांसुरी स्वराज के भाषण में उनकी माँ सुषमा स्वराज की झलक देखने को मिली। बिल्कुल उसी अंदाज में उंगली ऊपर उठाकर बांसुरी मुद्दों पर मुखरता से बोल रही थी, जैसे कभी इसी सदन में सुषमा स्वराज बोला करती थी। लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अपनी बातें रखी। यह लोकसभा में उनका पहला भाषण था। इस दौरान बांसुरी स्वराज ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला, वहीं जल संकट को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा। बांसुरी स्वराज के भाषण में अपनी मां सुषमा स्वराज की झलक देखने को मिली। उन्होंने सदन में सुषमा स्वराज की तरह ही दमदार अंदाज में अपनी बात रखी। बांसुरी के तेवर आज बिल्कुल सुषमा स्वराज जैसे ही लगे। बिल्कुल उसी अंदाज में उंगली ऊपर उठाकर बांसुरी मुद्दों पर मुखरता से बोल रही थी, जैसे कभी इसी सदन में उनकी मां सुषमा स्वराज बोला करती थी। उन्होंने अपना भाषण सुषमा स्वराज की तरह ही आदरणीय अध्यक्ष से कहकर शुरू किया। उनका अंदाज देखकर ऐसा लगा मानो सुषमा स्वराज ही बोल रही हो। सोमवार को लोकसभा में पहले भाषण में बांसुरी स्वराज ने कहा कि एक दशक में यह पहली सरकार है जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, जो कहा वो किया। घाटी से आर्टिकल 370 हटाया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया, सीए लेकर आए, वन रैंक वन पेंशन लागू किया, मेक इन इंडिया की नींव रखी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को इतना सशक्त किया कि आज दुनिया देश की अर्थव्यवस्था की 5वीं सबसे बड़ी है, और यह अब असाधारण परिस्थितियों में हुआ है। पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ कर निकला है। विश्व के कई देश हैं जो युद्ध की अग्नि में झुलस रहे हैं, लेकिन भारत के मोदी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के पथ पर अग्रसर है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प के 4 मुख्य स्तंभ है, युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब कल्याण। शिक्षा के पर्याप्त अवसर देने के लिए मोदी सरकार ने एक दशक में 7 नए IIT, 16 नए IIIT व 7 नए IIM और 15 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेज, 390 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए।